वैश्विक महामारी कोरोना वायरस जिस तेजी से फैल रहा है, उस तेजी के साथ सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसे कदम उठाकर लोगों को बचाने का कार्य कर रही है। लेकिन अब लॉकडाउन का असर परिवहन निगम पर भी देखने को मिल रहा है। परिवहन निगम की बसें बाहर से आने वाले यात्रियों पर निर्भर रहती हैं, लेकिन अब बाहर से आने वाले यात्रियों की संख्या भी कम होने लगी है, जिसका असर रोडवेज के राजस्व पर पड़ने लगा है। यही वजह है कि परिवहन विभाग की ओर से बस चालकों और परिचालकों से लोड फैक्टर कम करने को कहा गया है, जो चालकों और परिचालकों को भारी पड़ रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रोडवेज परिचालक चंद्रभान यादव एवं रोडवेज कर्मचारी संघ राप्ती नगर डिपो शाखा अध्यक्ष कृष्ण मोहन लाल श्रीवास्तव ने बताया। बनारस हाटा का गा पड़ालगंज बस अरे मेरा नाम चंद्रभान यादव। आपका पद क्या है? परिचालक हैं राप्ती नगर डिपो के। पहले की अपेक्षा में इसमें यात्रियों की क्या स्थिति है और बसों में कितनी दिक्कतें हो रही हैं? अरे पहले की अपेक्षा इस समय बहुत यात्री कम हो गए हैं। हम लोगों को लोड फैक्टर जो देना है वो लोड फैक्टर किसी तरह पूरा हम लोग कर रहे हैं। कहीं कहीं आधे आधे घंटे एक एक घंटे गाड़ियाँ रोकना पड़ जा रहा है यात्रियों के अभाव में। पैसेंजर की अलग से सुनना पड़ता है, यहाँ विभाग की अलग से सुनना पड़ता है। किसी तरह हम लोग अपना खून पसीना जलाकर विभाग को इनकम दे रहे हैं, लेकिन यात्री तो बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। लॉकडाउन का असर रोडवेज पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। सही। किस मोहनलाल श्रीवास्तव, यहाँ रोडवेज कर्मचारी संघ राप्ती नगर डिपो के शाखा अध्यक्ष हूँ मैं। देखिए जहाँ तक कहना यह है कि लॉकडाउन लड़ने से यात्रियों का प्रभाव जो है बिल्कुल जीरो के बराबर पड़ा हुआ है, बट जो ट्रेन से यात्री आ रहे हैं उन्हीं वही यात्री स्टेशन तक पहुंच रहे हैं। उन यात्रियों को हम अपनी गाड़ियों में भर करके भेज रहे हैं। अब एक गाड़ी हम लगा देते हैं अगर बनारस के लिए, तो वह गाड़ी कम से कम दो घंटे ढाई घंटे में 25% यात्री उसमें फिलअप होते हैं, उसके बाद हम उनको भेजते हैं, वो गाड़ियां जाती हैं। इधर से तो गाड़ी चली गई बनारस के लिए, लेकिन उधर से आने में क्योंकि वहां भी यही व्यवस्था है, तो वहां से दो चार सवारी लेकर के कंडक्टर ड्राइवर चल रहे हैं, जिससे रोडवेज का इनकम प्रभावित हो रहा है, ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है, ये प्रबंधन भी जानता है, एमडी भी जानते हैं, ज्वाइंट एमडी भी जानते हैं, हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक भी जानते हैं, सहायक क्षेत्रीय सब लोग जानते हैं। लेकिन अनावश्यक चालक परिचालक पर मानसिक दबाव बनाने के लिए इन्होंने ऐसा कर दिया है कि जैसे ही चालक परिचालक स्टेशन परिसर में आता है उतना मानसिक उलझन में हो जाता है कि नौकरी करने से उसको थकान नहीं होती है, केवल उस लोड फैक्टर के विषय में सोचने से उसको थकान हो जाती है, वो मानसिक उलझन में हो जाता है।